मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ, तो क्या मध्य प्रदेश में साइंस को लेकर, विज्ञान को लेकर एक अलग पौध तैयार हो रही है जहां पर फिल्म निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह की फिल्में कुछ अलग किस्म की होती हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अभिनेता और रंगकर्मी राजीव वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका पब्लिक फर्स्ट में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस आयोजन में आप शरीक हुए, किस तरह का अनुभव रहा और ये जो आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है उसे आप कितना सफल मान रहे हैं? देखिए, ये आयोजन जो है ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। ये इसके पहले भी करीब 3-4 महीने पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान यानी इंडिया फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें भी फिल्में, साइंस फिल्में दिखाई गई थी। और ये हमारे देश पहली बार जो था उसमें सारे देश के जितने फिल्म मेकर्स थे जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट को यानी साइंस को के प्रति अवेयर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें साइंस इन्वॉल्व है और जिसमें पब्लिक को अवेयर होना चाहिए उसके बारे में, अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग सॉल्यूशंस उसके थे, जिसमें पर्यावरण से लेकर हमारा कई तरह की उसमें इस बार जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है साइंस फिल्म फेस्टिवल, इसमें हमारे विदेशों की बहुत तकरीबन काफ़ी फिल्में आई थी और उनका एक देखिए फिल्में तो करीब काफ़ी थी, उसमें से जो सुनी गई जो नॉमिनेशन के लिए वो कुछ कम थी, करीब 100 से कम थी। ये एक तरीके से क्या होता है कि पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व करना, साइंस की वजह से, साइंस के फिल्मों की वजह से या उनके ज़रिए हम कैसे लोगों को हमारे समाज के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी जो पर्यावरण है, हमारी धरती है, हमारी पैदावार है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें साइंस इन्वॉल्व नहीं हो। और जैसा कि मैं बचपन से हमारे यहाँ एक स्कूल में होता था, विवाद होता था, वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें ये है कि साइंस जो है हमारी जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक साइंस इन्वॉल्व, लेकिन हम उस तरफ ध्यान नहीं देते जो हो रहा है हो रहा है। यहाँ तक कि हम धर्म में भी जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो साइंस कहीं ना कहीं उसमें होता है। अब वो कौन सा साइंस है, बहुत सा साइंस हमको पता नहीं है उसका क्या ओरिजिन है, किस प्रकार से वो हमारे हमारे ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट करता है, ये इन साइंस के ज़रिए हमको फिल्मों के ज़रिए मालूम हो रहा है। इसमें रिसर्च है, उसमें रिसर्च भी हुआ है, उसमें फोटोग्राफी है और उसमें एक काइंड ऑफ बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से वो समाज के सामने रखते हैं ताकि वो अवेयर हो, उसे समझे और उसे सीख लेकर हमारे जीवन को और आगे अच्छा बनाए। साइंस फिल्म की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या सिर्फ एक प्रस्तुतीकरण होता है जहाँ पे बहुत ही चमत्कारी की जो वस्तुओं को, चीज़ों को दृश्य दिखाया जाता है? छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब जैसे इस बार जो फिल्में आई हैं उसमें बहुत अच्छी फिल्में, एक है जैसे डार्कनेस, वाई डार्कनेस इज इम्पॉर्टेंट। हम लोग इतना लाइटिंग कर देते हैं ख़ासतौर से बगीचे में, सड़कों पर, तो ये जो हमारे सिस्टम है, हमारा जो एक इकोसिस्टम है जिसमें कीटे हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं, इन सब का पूरा एक चेंज हो जाता है बिकॉज उन पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारे के सारे सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि हमारी पैदावार पर इफेक्ट करता है, उनके जैविक जीवन पर इफेक्ट करता है, तो वो हमारे पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। तो ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम अनअवेयर हैं, तो ये साइंस के ज़रिए हमें मालूम होता है, साइंस फिल्मों के ज़रिए मालूम होता है। विषय के अनुरूप विषय महत्वपूर्ण, कई ऑफकोर्स विषय तो है ही महत्वपूर्ण, हमारे जो पॉल्यूशन है, जो कचरे के बारे में भी होता है, हमारा एक जो फिल्म बहुत अच्छी थी जो मलबे के बारे में, जो हमारा कंस्ट्रक्शन जब तोड़ते हैं किसी चीज़ को, नया बनाते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट का जो है उसका कितनी तरह उपयोग हो सकता है। आज हम हज़ारों लाखों ट्रक जो है रेत की ज़रूरत पड़ती है हमें, रियल इस्टेट बनाने में हमें, सड़कें बनाने में सीमेंट और रेत की ज़रूरत पड़ती है, वो रेत का एक सब्स्टिट्यूट बनाने के लिए ये मलबे का किस तरह इस्तेमाल होता है, अलग अलग उसको साइज में उसको बनाया जाता है, मलबा जो भी होता है, सीमेंट कंक्रीट जो वेस्ट निकलता है, तो उससे हम कितना बचत कर सकते हैं, इस पर भी फिल्में थी। एक सवाल मैं और आपसे आखिरी लेना चाहूँगा, आप एक रंगकर्मी हैं, जब इस तरह की फिल्मों की बात की जाती है
तो एक डॉक्यूमेंट्री जैसे इसमें एक जो लगता है कि डॉक्यूमेंट्री हम देख रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा कोई एलिमेंट कैसे डाला जा सकता है जिससे एक रोचक हो सके और आम लोगों तक पहुंच सके, जिसमें जानकारी की जानकारी और मनोरंजन का मनोरंजन। जरूरी, देखिए कोई भी फिल्म बनाने में तीन चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, एक तो फोटोग्राफी, एक जो साइंटिस्ट है उससे बातचीत होती है, और एक जो म्यूज़िक एंड डायरेक्टर उस पर लगाया जाता है। तो उसको कैसे हम इंटरेस्टिंग और दर्शनीय बनाए, ये फिल्म मेकर का काम है। क्योंकि वैसे तो हम लोग मानते हैं कि साइंस बड़ा नीरस सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बना के कैसे लोगों के सामने पेश करें, उसका ड्यूरेशन कितना हो, उसमें नरेशन कैसा हो, उसमें कितने साइंटिफिक फैक्ट्स और रिसर्च जो है वो ज़रूरी है, उसको किस तरीके से बयान करना है लोगों के सामने ताकि वो नीरस ना लगे, तब तो लोग समझेंगे ना। जिसके लिए फिल्म बनाते हैं उनको तो समझ में आनी चाहिए ना। तो ये एक है, इसीलिए फिल्म का इतना महत्व हो रहा है। और वैसे तो क्या है कि रंगकर्म में भी कई तरह की फिल्में नाटक किए जाते हैं, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साइंस इन्वॉल्व होता है। वैसे तो मेरा तो ये कहना था कि मैंने तो बल्कि सजेशन भी दिया कि रंगकर्म जो है, थिएटर कैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन हमारी आवाज को, हमारे बॉडी लैंग्वेज को, हमारे माइंड, हमारे मानसिक विकास में कितना सहयोगी होता है, ये भी एक साइंस है। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के ज़रिए ये हमारी साइंस फिल्म फेस्टिवल जो है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार मिले, लोग इससे लाभान्वित हों। और जैसा कि बताया कि YouTube पर भी अवेलेबल है, और साइंस ये प्रचार विभाग जो है, प्रसार विभाग जो है, इनका एक मेरे ख्याल में अलग से चैनल भी है, तो लोग देखें उसके ज़रिए और फ़ायदा उठाएं। सर, आपने अपने फर्स्ट चर्चा की और इतने विषय को बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में समझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रयास और कामयाब हो, हमारी शुभकामनाएं देते हैं। राजीव वर्मा जी, वरिष्ठ रंगकर्मी, अभिनेता, पब्लिक फर्स्ट से खास चर्चा करते हुए, और किस तरह से उन्हें समझाया कि साइंस की जो फिल्में हैं उसको अलग दृष्टिकोण, अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सभी जगह है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। कैमरामैन यशवंत के साथ आशुतोष, पब्लिक फर्स्ट न्यूज़। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन, और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।